हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिशूज मैजिक। आज मैं आपको एक शाम का बहुत ही अच्छा नाश्ता बताऊंगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी का नाम है ब्रेड पकौड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी बताऊंगी, तो चलिए जानते हैं इस रेसिपी को। हमें चाहिए बेसन 1.5 कप, 2 प्याज और 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहे तो प्लेन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसे मैंने त्रिकोण शेप में काट लिया है। पानी और ये हरी मिर्च है, इसे मैंने बीच से काट लिया है, इसकी भी मैं पकौड़ा बनाऊंगी। चुटकी भर खाने का सोडा, कुरकुरापन लाने के लिए 2 चम्मच रवा, या फिर आप चाहे तो चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक कटा धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए अब हम गिट्स को बनाना शुरू करते हैं। तो हम सारे मिक्सचर को अब मिला लेंगे और विस्कर या हाथ की मदद से अच्छे से मिलाएंगे पानी डालते हुए। हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि गुठलियाँ ना पड़े। इसे हमें सब तरफ से अच्छे से मिलाना है। मैंने यहाँ 1/2 गिलास पानी लिया था, मुझे और चाहिए थोड़ा पानी, तो ये मैंने पानी ले लिया है थोड़ा। और तो ये देखिए, हमारा इस तरह का पोरिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ब्रेड तलेंगे। तो ये मैंने ब्रेड ले लिया है, इसे हमें बेसन में अच्छे से डुबा लेना है, सब तरफ इसे बेसन से कोट कर देना है, देखिए इस तरह से। और एक्स्ट्रा बेसन इस तरह से हल्का टैप करके निकाल लेना है और तेल में डालना है। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए, हमारा दूसरा भी अब ब्रेड इसी तरह से करना है, बेसन से अच्छे से कवर कर लेना है और सब तरफ से अच्छे से, कहीं से खाली नहीं हो, और इस तरह से हमें तेल में डालना है। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। इसे हमें बीच बीच में पलटते रहना है। तो ये देखिए, मैंने टिश्यू पेपर एक ले लिया है जिसमें मैं ब्रेड पकौड़ा निकालूंगी, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में ही लग जाए। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड भी तल लेंगे। बेसन को हमें ब्रेड में अच्छे से कोट करके ऑयल में डालना है। और ये जो हमने मिर्ची भी काट के रखी थी, उसका भी हम पकौड़ा बना लेंगे। मिर्ची को हमें हमेशा हल्का बीच से काट के ही तेल में डालना है, नहीं तो हमें तेल के छींटे पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और हमें इसे बीच बीच में पलटते रहना है और गोल्डन ब्राउन कलर लाने तक तलना है। इसी तरह से हम अपने सारे ब्रेड पकौड़ा तल लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है गोल्डन ब्राउन कलर। इसी तरह से हम अपने सारे ब्रेड पकौड़े तल लेंगे। तो चलिए, ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेड पकौड़ा शाम का बहुत ही फेमस नाश्ता बनकर तैयार है। इसे आप टमाटो सॉस, चिली सॉस, सेजवान सॉस, हरी धनिया पत्ते की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो हमने 2 मिर्च के पकौड़े तले थे, इसे भी मैं रख देती हूँ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।